भारतीय हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध का खास महत्व है। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का विधान है। माना जाता है कि पितृपक्ष में किए पिंडदान या तर्पण से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष की शुरुआत इस वर्ष 29 सितंबर 2023 से हो रही है और इसका समापन 14 अक्टूबर 2023 को होगा। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के लिए किए गए सत्कर्म जैसे दान, तर्पण, भोजन आदि से है। आश्विन कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पार्वण व एकोदिष्ट हैं। माता पिता, नाना नानी एवं इनकी पूर्व तीन पीढ़ियों के दिवंगत पूज्य पितरों का पार्वण श्राद्ध उनकी मृत्यु तिथि में अपराह्न मध्यांतर काल में करना चाहिए। भाई बहन, ससुर, मामा, जामाता आदि सभी का एकोदिष्ट श्राद्ध करें जिसका समय मध्यान्ह काल है। शास्त्रों का वचन है कि बद्री क्षेत्र व गया जी में श्राद्ध करने के बाद भी अपने पितरों के निमित्त पूरे वर्ष भर में पिंड रहित दो बार अर्थात उनकी वार्षिक तिथि तथा आश्विन कृष्ण पक्ष में मृत्यु तिथि में श्राद्ध करें। विधिपूर्वक श्राद्ध संपन्न करना यदि संभव न हो तो संक्षेप में पितृपूजन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दरिद्र नारायण, याचकों का भोजन, गायों को घास खिलाना, गौ, काक, श्वान आदि को पंचबलि के रूप में श्राद्ध कर सकते हैं। यदि ब्रह्म भोज भी संभव न हो तो आमान्य सीधा का दान करें। शस्त्राग्नि, विष, जल व दुर्घटना से अकाल मृतक का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में ही करें, भले ही मृत्यु तिथि अन्य हो। जिनकी मृत्यु सामान्य रूप से चतुर्दशी तिथि में हो तो उनका श्राद्ध त्रयोदशी अथवा अमावस्या में ही करें। इन दिनों भागवत गीता या श्रीमद् भागवत का मूल पारायण भी करना चाहिए। इस वर्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं उसमें 29 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध, 30 सितंबर प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध, 1 अक्टूबर तृतीया श्राद्ध, 2 अक्टूबर चतुर्थी श्राद्ध, 3 अक्टूबर पंचमी श्राद्ध, 4 अक्टूबर षष्ठी श्राद्ध, 5 अक्टूबर सप्तमी श्राद्ध, 6 अक्टूबर अष्टमी श्राद्ध, 7 अक्टूबर नवमी श्राद्ध, 8 अक्टूबर दशमी श्राद्ध, 9 अक्टूबर एकादशी श्राद्ध, 11 अक्टूबर द्वादशी श्राद्ध, 12 अक्टूबर त्रयोदशी श्राद्ध, 13 अक्टूबर चतुर्दशी श्राद्ध, 14 अक्टूबर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष का समापन होता है। जय श्री महा।